स्टूडेंट्स, आज जो हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शंस के अंदर जो हम स्पीसीज इंटरेक्शन पढ़ रहे थे उसके दो भाग करिए थे हमने, दो ग्रुप बनाए थे, पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन एक नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन। और पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शंस के अंदर जो सेकेंड टॉपिक है वो है कॉमन सेलिजम, क्योंकि कल जो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें कल हमने लिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स और पॉजिटिव और नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं। और इसके अलावा पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर जो पहला टॉपिक है जिसको स्पंजिंग कहते हैं वो लिया था। आज हम दूसरा लेंगे जिसका नाम है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म को अगर आप सिंबॉलिक रूप से दर्शाना चाहें तो प्लस कोमा या प्लस ओब्लिक जीरो, इसका मतलब है कि यहां पर एक स्पीसीज ऐसी है जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको लाभ हो रहा है, दूसरी स्पीसीज ऐसी है जिसको न लाभ हो रहा है न हानि हो रही, क्योंकि जीरो सिंबल है, अर्थात जो दो स्पीसीज जो इंटरेक्शन कर रही हैं, उन दोनों इंटरेक्शन करने वाली दोनों स्पीसीज के अंदर एक स्पीसीज को लाभ हो रहा है इसलिए उसको प्लस सिंबल से दर्शाया गया है, दूसरी स्पीसीज को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही इसलिए उसको जीरो सिंबल से दर्शाया गया है, इसको न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। और ऐसी इंटरेक्शंस जिनके अंदर दो इंटरेक्टिंग करने वाली स्पीसीज में से एक को बेनिफिट होता है और दूसरी को हानि होती है, वो कुछ भी असर नहीं, नो इफेक्ट होता है, उन इंटरेक्शंस को कहा जाता है कॉमन सेलिज्म। इट इज एन इंटरेक्टिंग और एसोसिएशन इन विच वन इंडिविजुअल या वन स्पीसीज इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज बेनिफिट्स व्हाइल द अदर इज नाइदर बीइंग हेल्प्ड और नॉर हार्म्ड, न तो बेनिफिट है न हार्म्ड है न हानि है, द इंट्रैक्शन इज प्लस ओब्लिक जीरो इन दिस पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन द स्मॉलर बेनिफिटेड मेंबर इज का। अगर इस तरह की इंटरेक्शन है तो यहां इस तरह की इंटरेक्शन के अंदर जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उनमें से जो स्मॉलर है, जो छोटी वाली स्पीसीज है, जो आकार में छोटी स्पीसीज है, वो सामान्य रूप से बेनिफिटेड होती है। और उस जिस स्पीसीज को बेनिफिट होता है, चाहे वो दोनों बराबर के आकार की हों, लेकिन जिस स्पीसीज को बेनिफिट होता है या बेनिफिटेड होने वाली स्पीसीज है, उस स्पीसीज को कहा जाएगा कॉमन सेल, उस स्पीसीज का नाम रहेगा कॉमन सेल। व्हाइल द लार्जर मेंबर, अधिकांश केसेस में क्या होता है कि ऐसे एसोसिएशन के अंदर बड़ी वाली जो स्पीसीज, जो आकार में बड़ी स्पीसीज होती है, वो उसको न तो नाइदर बेनिफिटेड नोर हार्म, उसको न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है, और ऐसी स्पीसीज को होस्ट कहा जाता है। इन नेचर इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज आर ऑफन फिजिकली अटैच टू द मेंबर ऑफ अनादर। और नेचर के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर इस तरह की कॉमन सेलिज्म टाइप की इंट्रैक्शंस करती है। इसके अंदर जो पहला जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो होंगे लाइनाज। लाइनाज को दूसरा नाम है वुडी क्लाइंबर्स, यानी कि ये ऐसी वुडी वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके जो रूटेड होते हैं, रूटेड का मतलब जिनमें रूट स्टेम और लीफ पाई जाती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इन पादपों के रूट स्टेम और लीफ में से जो स्टेम है वो बहुत ही कोमल होता है और वो क्या है कि सीधा इरेक्ट वृद्धि नहीं कर सकता, इसलिए इन पादपों को हवा प्राप्त करने के लिए या लाइट प्राप्त करने के लिए किसी भी या सीधा खड़ा होने के लिए किसी दूसरे पादप या मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे पादप कहलाते हैं लाइनाज। और ये लाइनाज है, ये पादप सामान्य रूप से जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर वुडी वेस्कुलर प्लांट्स रूटेड इन द ग्राउंड्स एंड मेंटेन इरेक्टनेस of their stem by making use of other object for support. Thus, with much economy of
मैकेनिकल टिश्यू दे आर एबल टू गेट बेटर लाइट। इनको क्या है कि बेटर लाइट प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल टिश्यूज, जो भी मैकेनिकल टिश्यू इनको बनाने थे सीधा खड़े होने के लिए, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो नहीं बनते हैं इनके अंदर। उनका जो भी बायोमास है, यानी जो भी जो इनकी शक्ति है जो मैकेनिकल टिश्यू बनाने के लिए इनको यूज करनी थी, वो ये दूसरे काम में यूज करते हैं। और ये केवल सॉफ्ट टिश्यू पर भी बढ़ते जाते हैं, और इनके अंदर इतनी अधिक मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता है कि वो सीधे खड़े हो सकते हैं, इसलिए ये सपोर्ट या दूसरे पादप के साथ में लाइट प्राप्त करने के लिए इरेक्ट वृद्धि करते हैं। लाइनाज आर कॉमन इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। दे मेंटेन नो डायरेक्ट न्यूट्रिशन रिलेशनशिप विद द ट्री अपॉन विच दे ग्रो। ये जिस ट्री के साथ में, जिस ट्री के ऊपर, जिस ट्री के साथ में वृद्धि करते हैं, उससे कोई न्यूट्रिशन रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, बल्कि केवल उसका मैकेनिकल सपोर्ट लेते हैं, यांत्रिक सपोर्ट लेते हैं, अब पोषण की दृष्टि से उस पर किसी तरह का निर्भर नहीं रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड बाय क्लाइंबिंग देयर सपोर्ट, लाइनाज में बी लीनियर्स, थॉर्न लाइनाज, ट्विनर्स, टेंड्रिल्स लाइनाज, कॉमन लाइनाज स्पीसीज आर बोहिनिया, टीनोस्पोरा एंड फाइकस। ये देखिए, एक फोटोग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो लाइनाज हैं वो इरेक्ट पादप के अंदर इरेक्ट वृद्धि करते हैं और किसी दूसरे की सपोर्ट की सहायता से वृद्धि करते हैं, वो पोषण की दृष्टि से वृद्धि, पोषण की दृष्टि से उस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहां पर जो होस्ट है उस होस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरा लाइनाज पादप है जो कि दूसरे पादप के साथ में वृद्धि करके सीधा खड़ा हुआ है, वृद्धि कर रहा है, उस पादप को लाभ हो रहा है, लेकिन जो सपोर्ट करने वाला है जिसको होस्ट कहा गया है उसको कोई न लाभ हो रहा है न नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की बायोटिक इंटरेक्शन कहलाती है कॉमन सेलिज्म। दूसरा जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एपीफाइट्स एंड एपीजोन्स। एपीफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे बड़े पादपों के ऊपर पाए जाते हैं, एपीजोन्स ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के ऊपर या उनके खोल या उनके किसी आवरण या उनके जो स्किन है उसके ऊपर पाए जाते हैं, या उसके किसी भी, कई कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स बड़े आकार के एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको एंडोजोन्स भी बोलते हैं। एपीफाइट्स आर वाइडली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रो ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू एक्सेस लाइट, बट देयर प्रेजेंस देम डज नॉट इफेक्ट द ट्री। ये भी क्या करते हैं एपीफाइट, मैंने भी बताया कि दूसरे पादपों के तने और शाखाओं पर पाए जाते हैं ताकि इनको अधिक से अधिक लाइट प्राप्त हो, लेकिन ये जिस पादप की तने और शाखाएं से पर पाए जाते हैं, उगते हैं, उससे पोषण की दृष्टि से किसी तरह का कोई प्रभाव या किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। अर्थात जो एपीफाइट है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जिसके शाखा पर पाया जाता है उसको न लाभ होता है नहीं हानि होती है। द एपीफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द हाइग्रोस्कोपिक रूट्स एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन पादपों के अंदर क्या खास बात होती है कि इन पादपों के अंदर विशेष प्रकार की रूट्स होती है जिनको हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं, और ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, ये हवा से सीधे नमी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह से पादप किसी तरह से भी जो होस्ट है उस पर निर्भर नहीं रहता है, केवल और केवल उसको सपोर्ट के रूप में यूज करता है, आधार के रूप में यूज करता है, सबस्ट्रेटम के रूप में यूज करता है। तो इस तरह से यहाँ पर होस्ट को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जो कॉमन सेल है, जो जो पादप ऑर्किड है, एपीफाइट है, वो ऑर्किड दूसरे पादप के ऊपर जिस पर पाया जाता है उसको हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन एपीफाइट को, स्वयं को फायदा होता है। तो इस तरह के इंट्रैक्शन कॉमन सेलिज्म के अंदर आती है। व्हाइल एपीफाइट दे ग्रो ऑन इट गेट बेनिफिटेड बाय ऑक्यूपाइंग स्पेस
इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैनी स्पीसीज लाइव ऑन ए ट्री टूगेदर टू फॉर्म ए मैट. कॉमन सेलिजम कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज द इंडिविजुअल दैट गेट बेनिफिटेड मे हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल दैट आर नॉट रीडली नोटिसिबल और डिटेक्टेबल. यहां ध्यान रखने की बात है कि हम कह रहे हैं कि एक पादप दूसरे पादप के ऊपर पाया जाता है. यहाँ एक पादप को आपको डायरेक्टली लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे पादप को हम ये कह रहे हैं कि न लाभ हो रहा है न नुकसान हो रहा है. लेकिन बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कॉमन सिलिजम की प्रक्रिया के अंदर जो दूसरा पार्ट है जिसको होस्ट कहा गया है उसके अंदर उस इनडायरेक्टली कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है या पॉजिटिव इफेक्ट आता है, यह अभी तक नोटिसेबल नहीं किया है, डिटेक्टेबल नहीं किया गया है. मैनी ऑर्किड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिफाइट्स, ब्रोमेलिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एपिफाइट्स, हैंगिंग मॉस, असनिया एंड एलेक्टोरिया आर वेल नोन एपिफाइट्स. सम प्लांट्स और कुछ पादपों में ऐसा देखा गया है कि कुछ पादप बीज की स्थिति में होते हैं, न एपिफाइट्स है न पैरासाइट है बल्कि बीज की स्थिति में होते हैं, जैसे फर्न. इनको भी समझना आवश्यक है. फर्न जिसका नाम है नेफ्रोलेपिस, ये एक इकोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि बायोटिक इंटरेक्शन और ये कम्युनिटी के इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं. इस तरह की स्पीसीज जिसमें एक है फर्न, इन द बिगिनिंग रिमेन रूटेड इन द सॉइल, लाटर ऑन स्प्रेडिंग इट इट्स राइजोम ओवर द ट्री ट्रंक, सूनर और लाटर बिकेम कंप्लीटली स्प्रेडेड फ्रॉम द सॉइल एंड बिकम द एन एपिफाइट. ये जो फर्न है ये शुरुआत में सोयल में उगती है, सोयल में पाई जाती है, लेकिन बाद की परिस्थितियों में ये अपने राइजोम को ट्री ट्रंक पर फैला देती है और उसके बाद ये सोयल से बिल्कुल अलग हो जाती है और ये कंप्लीटली एपिफाइट्स में बदल जाती है. तो ये एक बीच की सी स्थिति है जिसमें पादप पहले इंडिपेंडेंट था और बाद में बन गया है एपिफाइट. तो इस तरह की ये जो प्रक्रिया है न्यूट्रिशन के लिए, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को हमें समझने में इकोलॉजी के अंदर बहुत ही मदद करती है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को समझने के अंदर. दूसरी जो स्पीसीज है शुगा एस्ट्रोफिला, इसके सीड जर्मिनेट ऑन ट्री सरफेस वेयर देयर सीडलिंग्स इन द बिगिनिंग लिव एज एपिफाइट टिल दे डेवलप देयर ऑन रूट्स बाय बीच अल्टीमेटली मेंटेन रिलेशन विद सोइल एंड दस बिकेम इंडिपेंडेंट. शुगो हेटरोफिला में क्या होता है कि जो बीज हैं वो ट्री की सतह पर उगते हैं और वहां पर उनके सीडलिंग्स एपिफाइट के रूप में ग्रो करते हैं, लेकिन बाद की स्थिति में डेवलप देयर ओन रूट्स, अपनी खुद की जड़ डेवलप कर लेते हैं और अल्टीमेटली मेंटेन सोइल. यानी यहां उल्टा है, पहले पादप एपिफाइट के रूप में है और बाद की स्थिति में वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है. तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है. पहले वाले में फर्न में क्या था, पादप इंडिपेंडेंट से एपिफाइट की ओर बढ़ रहा है. दूसरी वाले में क्या हुआ, पादप एपिफाइट से इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ रहा है. तो इस तरह की जो विशेष स्थितियां हैं जो कि हमें इकोलॉजी के माध्यम से इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को समझने में बहुत ही अधिक मदद करती हैं. इन हाइग्रो यानी एपिफाइट्स के अंदर जो हमने अभी बात की, हाइग्रोस्कोपिक जो रूट्स होती है, ये जो रूट्स होती हैं ये स्पेशल लेयर इनके ऊपर होती है जिसको विलामी लेयर कहा जाता है और ये एक वाइटिश टिश्यू है जो कि हवा से अबेंडेंटली बहुत अधिक मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से इस पानी को ये अपने पोषण के रूप में यूज करते हैं. इसी तरह से बहुत और अधिक एग्जांपल अगर हम बात करें तो कुछ सहवाल है, जैसे क्लेडोफोरेसी का एग्जांपल है बेसिक्लेडिया जो कि फ्रेश वाटर टर्टिल पर पाया जाता है. यहाँ टर्टिल जो कछुआ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लेडोफोरा है सहवाल है उस सहवाल को ये फ्रेश वाटर के अंदर तो कछुआ चलता हुआ इसको नए आवास में नए पोषण वाली साइट्स पर ले जाता है जिससे पादप को लाभ होता है परंतु कछुए को कोई प्रभाव नहीं होता है. ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोटोजोअर्स लिव विद इन द कैविटीज, जो पादपों की कैविटीज होती हैं, जो बाहर के अंदर जो डिफरेंट टाइप की कैविटीज हो जाती हैं, जो उनके अंदर स्कार्स और कैविटीज होती हैं, उनमें जो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया फंजाई और प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनका पादप पर तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जरूर उसका बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं कुछ एंडोजीविक बैक्टीरिया, जिसमें इकोलाई है फाउंड इन ह्यूमन कोलन और बैरेंकल है फाउंड इन द बैक ऑन द हेल्स। मोलस्का बैरेंकल्स एंड टू वार्म सेल्स ऑफ हॉर्सू क्रैब के सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसी तरह से ओयस्टर क्रैब, जिसका नाम है पिनोथेरा ऑस्ट्रियम, जो कि मेंटल कैविटी ऑफ ऑस्ट्रियम, यानी ओयस्टर की जो मेंटल कैविटी है उसके ऊपर पाया जाता है। देर आर सेवरल कॉमन सेल दैट मेक टेम्परेरी कॉन्टैक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल स्क्रल, मंकी, ट्री फ्रॉग्स, स्नैक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, दे यूज ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फॉर सबस्ट्रेट एंड शेल्टर एंड ब्रीडिंग, बट दे ऑलवेज दे नेवर कॉन्टैक्ट विद द ट्रीज एंड दे बिकेम्स सेपरेटली ईच अदर, सो दीज आर द ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सेलिज्म। हाइड्रोइड्स एंड वर्टिशिलियंस एनिमल्स आर यूज एनिमल्स यूज फिश फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रिपोनीमा मैक्रोडेनियम एंड एंट अमीबा कोलाई लिविंग इन द माउथ ऑफ मैन, इकोलाई इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, दे आर आल्सो कॉमर्शियलिज्म, एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियलिज्म, दे नेवर हार्मफुल फॉर द मैन बट दे आल Besides the above association in nature, we found some similar situation where we found such association between variety of micro. यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें दोनों स्पीसीज को भी लाभ होता है, एक स्पीसीज को भी लाभ होता है, कई स्थितियों में क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को लाभ होने लग जाता है। तो कॉमन सिलिजम एक ट्रांजिशन की स्थिति है, एक क्या है, ट्रांजिशन की स्थिति है जिसमें एक स्पीसीज को लाभ हो रहा है, बीच वाली स्थिति एक को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, और जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है, तो ये एक इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फेज है। फॉर एग्जाम्पल द जोन ऑफ सॉइल अराउंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स करेक्टराइज बाई इंटेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी नोन एज राइजोस्फीयर, जो राइज पादपों की जड़ के चारों तरफ जो राइजोस्फीयर होती है और लीफ के चारों ओर जो फाइलोस्फीयर होती है उसके अंदर जो जोन होता है उसको बोलते हैं राइजोप्लेन, और लीफ के चारों ओर जोन होता है उसको बोलते हैं फाइलोजोन। इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एक्टिनोमाइट सीड्स होते हैं, ये एक्टिनोमाइट सीड्स और ये जो प्लांट है, ये प्लांट के माध्यम से क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट को, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी से प्लांट को फायदा होता है, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई को कोई फायदा नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पादप से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को बैक्टीरिया और फंजाई यूज करते हैं, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया के एक्टिविटी से पादप को, यानी तीनों तरह की स्थिति है जिसमें पादप को लाभ हो सकता है, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई को लाभ हो सकता है, और जिसमें दोनों को लाभ हो सकता है। तो जो शुरू की दो अवस्था है जिसमें एक पार्ट को लाभ हो रहा है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाभ हो रहा है, आइदर प्लांट को लाभ हो रहा है, तब तो वो आएगा कॉमन सिलिजम में। लेकिन अगर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को लाभ हो जाता है तब वो आएगा म्यूटुअलिज्म। तो राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव दोनों तरह से कार्य करते हैं, दोनों तरह म्यूटिलिज्म के रूप में भी काम करते हैं और कॉमन सिलिज्म के अंदर भी
काम करते हैं। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कि जो सोइल के अंदर बैक्टीरिया है वो कई बार म्यूटलिज्म के रूप में पढ़ा दिया और कई बार कॉमर्शलिज्म के अंदर। तो बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई हैं जो इस तरह की अलग अलग प्लांट्स के साथ में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट्स लीव्स एंड अगेन अटैक द पैथोजन। तो इस तरह से ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। ये जो फोटो है ये फोटो है एपिफाइट का। देखिए ये जो तना है ये तना है होस्ट का और ये जो पादप है ये है एक ऑर्किड जो कि एपिफाइट के रूप में है और इसकी ये जो रूट्स हैं जिनको हैंगिंग रूट्स कहा जाता है जिसके ऊपर विलामेंट टिश्यू होता है ये डायरेक्टली क्या है पानी को हवा से एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह से पाद एक होस्ट पादप के तने और शाखाओं के ऊपर इस तरह से किसी दूसरे पादप को डेवलप होना ये एक एपिफाइट का निशानी है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सिलिजम है ये जो टॉपिक है पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर ये आपका पूरा हो गया और कल हम आपको लेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। थैंक यू। इसके नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे।